यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं हम बॉटनी सेकंड पेपर की माइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में अब हमारे पास में केवल दो टॉपिक ही बचे हैं जो कि हमारे टाइप स्टडी से रिलेटेड है। एक तो पक्सीनिया है और एक है हमारे पास में अल्टरनेरिया और अस्टीलेगो, है ना। तीन मेंबर बचे हैं हमारे, पक्सीनिया, अस्टीलेगो और अल्टरनेरिया। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो है पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि पक्सीनिया है क्या, पक्सीनिया का जो जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है इसका, मतलब कि इसका माइसीलियम जो है वो कैसा है। इसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो किसी स्पेशल टाइप से होता है, इसीलिए हम इसमें रिप्रोडक्शन ना पढ़ करके हम केवल इसमें इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जो इसका लाइफ साइकिल है वही इसका खास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है। तो आज हम पक्सीनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहली चीज जो आती है पक्सीनिया से रिलेटेड, है ना, जो भी हम टाइप स्टडी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, तो वो है उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इसका जो किंगडम है वो है माइसिडी, डिवीजन है ए मेस्टिको माइकोटा, सब डिवीजन है बेसिडियो माइकोटीना। ठीक है, क्लास है हमारी बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज, है ना। क्लास कौन सी है इसकी, बेसिडियो माइसिटीज। सब क्लास है टेलियो माइसिटीज। ठीक है, ऑर्डर है हमारे पास में यूरिडिनेलिस, फैमिली है पक्सीनिएसी और जीनस है फैमिली है पक्सीनिएसी और जीनस है हमारे पास में पक्सीनिया, जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो स्पीशीज है वो है 700 और इंडिया के अंदर इसकी जो स्पीशीज है वो है 262। ठीक है, अब हम आते हैं कि पक्सीनिया जो है इसका क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं, हमने देखा कि बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का सदस्य है। तो पक्सीनिया के अंदर अब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ पक्सीनिया, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखते हैं कि जो ये पक्सीनिया है ना, पक्सीनिया एक तरह का फंगस है, पक्सीनिया एक तरह का फंगस है या फिर कवक है। ठीक है, तो हमको इसकी विशेष जो खास बातें होती है उस पर ध्यान देना है। तो पक्सीनिया की जो खोज है या पक्सीनिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, टी पक्सीनी। ठीक है, तो पक्सीनिया के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन है, टी पक्सीनी, जो कि इटली के साइंटिस्ट है, इटली के हैं ये रहने वाले, इन्होंने ही सबसे पहले पक्सीनिया के बारे में बताया था। ठीक है, अब जो पक्सीनिया है ना, हमने खोजकर्ता की बात कर ली, तो पक्सीनिया जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम तो हम देते हैं पक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। पक्सीनिया को हम रस्ट फंजाई मतलब कि किट रोग या किट कवक भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम पक्सीनिया को रस्ट फंजाई क्यों बोलते हैं। तो पक्सीनिया जो है वो क्या करता है कि जो इसके होस्ट होते हैं, क्योंकि पक्सीनिया भी अगर आपके न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम बात करें तो पक्सीनिया भी आपका एक पैरासाइटिक फंगस है ना। पैरासाइटिक में भी कौन सा है वो हम बात करेंगे, तो एक तरह का पैरासाइट है जो कि किसी लिविंग, है ना, एक तरह का पैरासाइट है, परजीवी है, जो कि किसी लिविंग चीज को, किसी भी सजीव को नुकसान पहुंचाता है या फिर सजीव में रोग उत्पन्न करता है। तो पक्सीनिया है क्या, एक पैरासाइट है, और हमने इसको बोला कि हम अदर नेम की बात करते हैं तो पक्सीनिया को हम बोलते हैं रस्ट फंगाई। ठीक है, किट कवक मतलब कि ये क्या करता है कि जो इसके होस्ट होते हैं जिसके अंदर ये रहता है उसके अंदर जो है वो रोग उत्पन्न करता है, जिसमें वो क्या करता है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि इसके होस्ट कौन कौन है, कहाँ पर ये पाया जाता है, तो इसके होस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ केसेस में, जो इसमें होस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर जो पक्सीनिया है वो रहता है ना, जिसमें रहता है और उसी को क्या करता है रोग, उसी में रोग उत्पन्न करता है। तो पक्सीनिया जो है उसकी जो होस्ट है वो कौन कौन है, तो जैसे कि वीट है, जितने भी सीरियल्स है ना, वीट है, जो भी आपका बारबेरी है, गेहूं, है ना, वीट मतलब गेहूं, बारबेरी, ठीक है, जो जो होती है आपकी, इसके अलावा अमेज है, बहुत सारी सीरियल्स है, मे
बारबेरी है, मक्का है, उस जितने भी आपकी धान्य फसलें हैं, ठीक है, सीरियल्स जितने भी हैं, वहां पर ये रहता है। हमने बात करी थी कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये पैरासाइट है, परजीवी है, लेकिन पैरासाइट में भी कौन सा है, तो एंडो या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि आंतरिक और आंतरिक अविकल्पी परजीवी, ठीक है। तो हमारी जो पक्षियां की जितनी भी स्पीशीज है वो किस तरीके की होती है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम देखें या आवास के बेसिस पर हम देखें, हैबिटेट कैसा है इसका, तो ये होती है इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि आंतरिक अविकल्पी परजीवी। अब मैंने आपको पहले एक चीज बताई है कि पक्षीना की जितनी भी जातियां होती है वो जहां पर रहेगी वो उसको हम बोलते हैं होस्ट, होस्ट के अंदर ही रहती है। तो ये क्या करती है कि पक्षियां की जितनी भी जातियां होती हैं वो होती है होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक होती है मतलब कि इनका जो परपोषी है ना, जिसके अंदर ये रहती है वो फिक्स होता है। इनका होस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब कि अगर इसने सोचा है ये गेहूं के ऊपर ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी, तो ये केवल गेहूं के ऊपर ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। अगर इसके पास में अगर हम उसको कोई और आपका होस्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये किस टाइप का कवक है, इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि हमारे जो ये पक्षीनिया है वो है होस्ट स्पेसिफिक। अगर इसको पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिलता है, पर्टिकुलर परपोषी नहीं मिलता है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये इसकी खास बातें हैं। हमने देखा कि इसके होस्ट कौन है, तो ये जनरल जो है बहुत सारे जैसे वीट है, बारबेरी, जनरली जो ये रोग उत्पन्न करता है वो करता है वीट और बारबेरी के ऊपर, अदरवाइज ये मक्का और बहुत सारे सीरियल्स के ऊपर भी आपका रोग जो है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये जनरल बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें पक्षीनिया की जातियों के बारे में, तो पक्षीनिया की बहुत सारी स्पीशीज जो है वो देखने को मिलती है। जनरली जो सबसे ज्यादा फेमस स्पीशीज है इसकी वो है पक्षीनिया ग्रैमिनिस। पक्षीनिया ग्रैमिनिस वैरायटी ट्रिटिसन, ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है पक्षीनिया ग्रैमिनिस वैरायटी ट्रिटिसन। तो पक्षीनिया की एक जाति है जिसका नाम है पक्षीनिया ग्रैमिनिस वैरायटी ट्रिटिसन, जो कि गेहूं के पौधे पर या गेहूं की फसल के ऊपर रस्ट डिजीज जो है वो उत्पन्न करती है। लेकिन कौन सी रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है, तो ब्लैक रस्ट। कौन सी रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है, ब्लैक रस्ट, काला पिट रोग, मतलब कि इसके तने और पत्तियों पर ये काले कलर के धब्बे जो है वो उत्पन्न करती है, इसके ऊपर गेहूं के ऊपर। कौन सी स्पीशीज है, पक्षीनिया ग्रैमिनिस वैरायटी ट्रिटिस है। अदरवाइज हम दूसरी स्पीशीज की बात करें तो हमारे पास में पक्षीनिया की और स्पीशीज है, जैसे कि पक्षीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। पक्षीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, इसको हम येलो रस्ट फंगाई भी बोलते हैं, क्योंकि येलो कलर के धब्बे उत्पन्न करती है। इसके अलावा हम बात करें कि पक्षी
होगा, ठीक है। द बायलोबिएटेड माइसिलियम इज फाउंड इन ग्रीन टिश्यू एंड मोनोकैरियोटिक माइसिलियम इज फाउंड इन द टिश्यू ऑफ बारबेरी। द फंगस एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सेल ऑफ द होस्ट होस्ट सेल बाय होस्टीरियम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जनरली हमने बात करी कि पक्सीनिया के अंदर जो माइसीलियम, अगर हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कवकों के, है ना, कवक के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, इसके माइसीलियम की, मतलब कि इसकी जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो हमको देखना है कि इसका माइसीलियम कैसा है और कितने माइसीलियम जो है, कितने प्रकार के माइसीलियम जो है वो पक्सीनिया के अंदर बनते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं माइसीलियम की पक्सीनिया के, तो पक्सीनिया का जो माइसीलियम है अबाउट हम बात करते हैं माइसीलियम, ठीक है। तो पक्सीनिया की पूरे जीवन चक्र के अंदर, पूरे लाइफ साइकिल के अंदर दो प्रकार के माइसीलियम जो है वो बनते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। मतलब कि पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा जटिल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके दो प्रकार के माइसीलियम जो है वो बनते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक और दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीय। तो अगर आपसे पूछे कोई कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात पूछे तो इसमें हम माइसीलियम की बात करते हैं, तो हमने बोला कि पक्सीनिया के अंदर दो प्रकार के माइसीलियम बनते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी माइसीलियम जो है वो आपका होता है डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो होता है मोनोकैरियोटिक। अब क्या डिफरेंस है डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक के अंदर? डाई मतलब दो, कैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोट्स, मतलब हम क्या बोलते हैं, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिनके अंदर 2n वाली कंडीशन है वो तो हो गया प्राइमरी माइसीलियम, और जिसके अंदर आपकी सिंगल n वाली हैप्लॉइड कंडीशन है वो हो गया आपका सेकेंडरी माइसीलियम। अब दूसरी खास बात पक्सीनिया के अंदर ये है कि अपन ने बोला था कि पक्सीनिया जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है। पक्सीनिया अपना जीवन चक्र किसी स्पेसिफिक होस्ट की प्रेजेंस में ही पूरी कर सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के अंदर टोटल कितने होस्ट होते हैं, कितने परपोषियों के ऊपर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है? दो परपोषियों के ऊपर, ठीक है। इसीलिए हम पक्सीनिया को हेट्रोशियस फंगस भी बोलते हैं, हेट्रोशियस, ठीक है, हेट्रोशियस फंगस भी बोलते हैं। हमने पहले ही बात करी कि जो आपका पक्सीनिया है, जो आपकी कवक है, वो परजीवी हो सकती है। परजीवी होने का मतलब वो किसी लिविंग के ऊपर
प्राइमरी माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक है, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो कहाँ पर बनता है, कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो ये बनता है वीट के ऊपर, है ना, क्योंकि इसके दो ही होस्ट है, एक तो है वीट और एक है बारबेरी, तो ये बनता है वीट के टिश्यू पर उत्पन्न होता है, है ना। अब अपन ने बोला था कि ये इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जब ये उत्तकों के अंदर, टिश्यू के अंदर डेवलप हो माइसीलियम, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो हमने बोला कि प्राइमरी जो माइसीलियम होता है वो तो होता है वीट के ऊपर उत्पन्न, और सेकेंडरी माइसीलियम उत्पन्न होता है बारबेरी के ऊपर, ठीक है। तो दूसरी बात क्या होगी, ये वीट के टिश्यू में उत्पन्न होगा, ये बारबेरी के टिश्यू में उत्पन्न होगा। अब वीट जो है वो पक्सीनिया का प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट ऑफ पक्सीनिया। वैसे ही बारबेरी जो है वो पक्सीनिया का सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में, हमने ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है कि पक्सीनिया का जो माइसीलियम है, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के अंदर दो प्रकार के माइसीलियम बनते हैं, एक तो बनता है प्राइमरी, एक बनता है सेकेंडरी। प्राइमरी माइसीलियम कहाँ पर बनता है, गेहूं के उत्तकों में, वीट के टिश्यू में। सेकेंडरी माइसीलियम बनता है बारबेरी के टिश्यू में। अब हमने बात करी कि ये जो माइसीलियम होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, द्वि आपका केंद्रकीय होता है, ये माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है। अब हमने बात करी कि वीट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट, मतलब कि जो पहले जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वीट पर से, है ना, और फिर आपका इस पर आती है, तो गेहूं से बारबेरी पर आती है, तो हमने बोल दिया इसको प्राइमरी होस्ट और इसको बोल दिया सेकेंडरी होस्ट। तो ये तो हमारी बात हो गई इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये दोनों प्रकार के जो माइसीलियम है, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम, ये दोनों ही दोनों होते हैं पटयुक्त, मतलब कि इन माइसीलियम के ऊपर आपके जो सेप्टा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ में ये जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड भी होता है, मतलब कि माइसीलियम जो है वो शाखित होता है और पटयुक्त होता है, और भोजन अवशोषण करने के लिए, फूड एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं होस्टोरिया, ठीक है। तो फूड एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं होस्टोरिया या फिर चुषकांग, ठीक है। तो ये जनरल बात होगी इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। पक्सीनिया पढ़ रहे हैं हम, पक्सीनिया के अंदर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद में हमने देख लिया कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, साइंटिस्ट जिसने पक्सीनिया की खोज करी, पक्सीनिया के बारे में बताया, अदर नेम देख लिया, न्यूट्रिशन और हैबिटेट देख लिया, उसके बाद में हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा जो कि आपका इस टाइप से है, दो माइसीलियम है और कहां पर उत्पन्न होता है ये हमने देख लिया। दोनों ही माइसीलियम सेप्टेट होते हैं और आपका कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। इनके सेप्टा जो होते हैं इन पटों के बीच में सिंपल पोर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पोर
की अगर हम बात करते हैं तो पक्सीनिया की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में हम कोई रिप्रोडक्शन मेथड नहीं पढ़ेंगे, कोई एसेक्सुअल कोई सेक्सुअल मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर स्पोर्स के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया, हमको स्पोर्ट्स के नाम देखने हैं, फिर हम देखते हैं कौन कहां पर बनता है। दूसरा जो बीजाणु है वो है
प्रकार के बीजाणु जो है वो बनते हैं। अब पांच प्रकार के बीजाणु हमने देखे, यूरिडो, टेलिडो, बेसिडियो, पिपिडियो, एशियो। अगर हम बात करें कि ये बनते कहाँ पर हैं, तो हमने बोला एक तो बनता है गेहूं के ऊपर, जो कौन है, ये दोनों। फिर सॉइल में या मृदा में बनने वाले बेसिडियो स्पोर, बारबेरी पर बनने वाले पिपिडियो और एशियो स्पोर। अब ये जो स्पोर्स है उनकी नंबरिंग क्यों करी है मैंने, क्योंकि ये जो स्पोर है वो एक निश्चित क्रम में बनते हैं, ठीक है। इनका जो सीरियल नंबर है वो ऐसा के ऐसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल का मतलब कि अब है कौन, पक्सीनिया। अब पक्सीनिया जो है उसके दो परपोषी है, इसका मतलब ये दोनों परपोषी को इम्पैक्टेड करता है, ठीक है। दोनों ही परपोषियों पर क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, गेहूं और ये बारबेरी। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी शुरुआत कहां से होती है, इन एशियो स्पोर्स, ठीक है। तो ये जो है ये एशियो स्पोर्स से इसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले कि ये जो एशियो स्पोर बनते हैं कहां पर, बारबेरी के प्लांट पर या क्रॉप पर। बारबेरी पर बनने वाले ये एशियो स्पोर जो होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ करके कहां पर जाते हैं, गेहूं के ऊपर। ये स्पोर जो है वो उड़ करके जाते हैं वीट के क्रॉप पर, ठीक है। जैसे ही ये वीट के क्रॉप पर जाते हैं ये उसको संक्रमित कर देते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है कि ये जो है इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ये जो बीजाणु है वो उड़ करके गेहूं की पत्ती पर गए, गेहूं की लीफ पर गए, वहां पर ये क्या करते हैं अपना माइसीलियम बना लेते हैं, अपना माइसीलियम स्थापित कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीजाणु 2N होता है तो ये भी आपका 2N माइसीलियम यहाँ पर बनता है। इसीलिए हमने बोला था कि गेहूं के ऊपर जो माइसीलियम बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। हम जनरली बात यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस वैरायटी ट्रिटिस है, इट इज अ मैक्रोसाइक्लिक फंगस, ठीक है। ये जो है वो दीर्घ चक्रीय आपकी कवक है। द फॉलोइंग फाइव टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इन इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिस जो है वो एक दीर्घ चक्रीय कवक है,
पल्सेस बोलते हैं, तो ये जो है वो आपका क्या करता है, गेहूं के दानों को उत्पन्न नहीं होने देता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल की शुरुआत कहां से हो रही है, तो या तो ये जो बारबेरी पर उत्पन्न हुए एसियोस्पोर है वो गेहूं के पौधे पर आ जाते हैं। गेहूं के पौधे पर आने के बाद क्या करेंगे, गेहूं की जो पत्ती है वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो उसके स्टोमेटा के अंदर चले जाएंगे। स्टोमेटा का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है ना, तो ये इसके अंदर एंटर करने के बाद में है ना, इस टाइप से ये इसके अंदर एंटर करने के बाद में क्या करते हैं, ये उसको इन्फेक्टेड करते हैं, गेहूं के माइसीलियम को, गेहूं के पौधे को इन्फेक्टेड कर देते हैं, पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, हर जगह धब्बे उत्पन्न करते हैं, और ये धब्बे जो है उत्पन्न होने के कारण गेहूं के दानों की संख्या जो है वो धीरे 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 जो है वो डिक्रीज होती रहती है, मतलब पूरी फसल खराब हो जाती है। तो अपन बात कर रहे हैं कि हमने बात करी कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो बारबेरी पर उत्पन्न हुए एशियोस्पोर है वो सबसे पहले गेहूं की पत्ती पर जाते हैं, वहां पर अपना माइसीलियम स्थापित करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वहां पर क्या होता है कि जो है ग्रुप है स्पोर्स का वो आने लगता है। ठीक है, या तो कंडीशन होगी एशियोस्पोर जाएंगे वीट के ऊपर, दूसरी कंडीशन क्या है, वीट का जो इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, वीट का जो इन्फेक्टेड प्लांट है मतलब कि उसमें कौन से स्पोर्स उत्पन्न हुए, यूरिडोस्पोर्स। तो यूरिडोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसके अंदर भी दो केंद्रक होते हैं आपके, ठीक है, और इसके अंदर भी दो वॉल्स होती है, एक तो होती है आपकी बाहर वाली वॉल जो होती है उसको तो हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली वॉल को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, ये दोनों इसके न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल हो गई आपकी एक्साइन और इंटरनल हो गई आपकी इंटाइन, और ये दोनों हो गए न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये यूरिडोस्पोर्स होते हैं, डायकैरियोटिक होते हैं, गेहूं के पौधे पर ही उत्पन्न होते हैं, तो गेहूं की पत्ती पर उत्पन्न होने के बाद में माइसीलियम के, ये गेहूं के पत्ती के इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाकर अपना माइसीलियम स्थापित करते हैं और उसको इन्फेक्टेड करते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमको इसका धीरे धीरे एक ग्रुप देखने को मिलता है, किसका, यूरिडोस्पोर्स का। तो गेहूं का जो पूरा के पूरा माइसीलियम होता है, गेहूं का पूरा के पूरा जो पौधा होता है उसको ये पूरी तरीके से संक्रमित कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में ग्रुप आ जाएगा, किसका, यूरिडोस्पोर्स का। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम बोलते हैं यूरिडोसोराई या फिर यूरिडोसोरस। ठीक है, तो यूरिडोस्पोर्स हमने क्या बोला, यूरिडोस्पोर्स गेहूं पर उत्पन्न हुए, गेहूं की पत्ती पर उत्पन्न हुए, इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर गए, गेहूं के पत्तियों के जो स्टोमेटा है उसके अंदर गए, वहां पर अपना सेल्स का ग्रुप बनाया जिसको हमने बोला यूरिडोसोराई, जिसको हमने बोला यूरिडोसोराई। ये यूरिडोसोराई के अंदर बहुत सारे यूरिडोस्पोर्स के ग्रुप जो है वो है। तो ये एपिडर्मिस में जाने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जो उपस्थित यूरिडोस्पोर्स है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो यूरिडोस्पोर्स है, सारे के सारे यूरिडोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और संक्रमित पौधे में से किसी स्वस्थ पौधे पर जाकर उसको भी संक्रमित कर देते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि जो इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, यूरिडोस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, हमने बात करी कि गेहूं की पत्ती पर उत्पन्न होते हैं और स्वस्थ पौधे से, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेक्टेड पौधे से निकल करके वापस किसी स्वस्थ पौधे में जाकर के उसको भी खराब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन स्थानों पर पहले यूरिडोस्पोर्स बने थे उसी स्थान पर थोड़े टाइम के बाद में बनते हैं टेलुटोस्पोर्स। ठीक है, जहां पर पहले यूरिडोस्पोर्स बने थे वहां पर अब बनते हैं इसके स्थान पर, उसी स्थान पर बनेंगे आप कौन से स्पोर, टेलुटोस्पोर। तो टेलुटोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है इस टाइप का। यहाँ पर भी हमारे पास में दो वॉल्स होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर
अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, इस टाइप से, और ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमने क्या बोला कि जैसे जहां पर यूरिडोस्पोर लगे थे वहां पर टेरिडोस्पोर बनते हैं। अब ये जो टेरिडोस्पोर है वो आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी दो न्यूक्लियस है जो की डिवाइडेड है, मतलब अब ये मोनोकैरियोटिक कंडीशन में आने वाला है। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर जो जर्मपोर होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, इसकी जो जो किनारे है वहां पर छोटे छोटे से छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। इन्हीं जर्म पोर के थ्रू क्या निकलती है, जर्मिनेशन ट्यूब निकलती है इस टाइप से, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये टेरिडोस्पोर बने गेहूं के पौधे के ऊपर जहां पर पहले यूरिडोस्पोर थे, अब ये टेरिडोस्पोर जो होते हैं इनके अंदर आपकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एपिबेसीडियम। क्या बोलते हैं, एपिबेसीडियम, ठीक है। कहां पर, एपिबेसीडियम जो है वो आपका टेरिडोस्पोर्स पर बनता है, टेरिडोस्पोर्स पर गेहूं के पौधे के ऊपर ही, है ना, जो कि कहां पर है, गेहूं के पौधे पर। तो ये जो टेरिडोस्पोर है उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है एपिबेसीडियम, जिसके ऊपर एट द एंड आपके कौन से स्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण हो किससे रहा है, टेरिडोस्पोर से, ठीक है। बट ये बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता कब है, जब ये एपिबेसीडियम या टेरिडोस्पोर्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो गिर करके भूमि पर आता है, सॉइल में आता है, तब होता है। तो तीन स्पोर्स हो गए हमारे, सबसे पहले यूरिडोस्पोर उत्पन्न हुए थे गेहूं के ऊपर, ठीक है, यूरिडोसोरस बना, मतलब ग्रुप बना उनका, फिर इनके अंदर जो बहुत सारे यूरिडोस्पोर थे वो निकल के बाहर आए, स्वस्थ जो आपका संक्रमित पौधे था उससे संस्वस्थ पौधे को उसने क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया। उसी स्थान पर अब बने टेरिडोस्पोर, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, टेरिडोस्पोर जो है उसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एपिबेसीडियम या प्रोमाइसीडियम। ये टेरिडोस्पोर या फिर ये जो एपिबेसीडियम है वो भूमि पर गिरता है, और भूमि पर गिरने के बाद में इसके ऊपर इस प्रकार के बेसिडियोस्पोर जो है वो बनते हैं। लेकिन इनका निर्माण जो है वो कहाँ हो रहा है, सॉइल के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने इसको सेकेंड स्टेज के अंदर रखा है। अब क्या होता है कि ये जो आपके बेसिडियोस्पोर है, ठीक है, जो कि कहाँ पर निर्मित हुए हैं, सॉइल में, ये उड़ करके हवा के द्वारा उड़ करके जाते हैं किसी स्वस्थ पौधे पर। अब ये कहाँ पर जाएंगे, आपके बारबेरी के ऊपर, ठीक है, दूसरा होस्ट जो है उसके ऊपर जाएंगे कौन, बेसिडियोस्पोर, अब उसको इन्फेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो बारबेरी पर जाने के बाद में, ठीक है, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हमेशा इसमें जो जो इनका फ्यूजन हो रहा है वो दो प्रकार, अलग अलग प्रकार के बीजाणु के बीच में हो रहा है, एक तो पॉजिटिव है बेसिडियोस्पोर और एक है नेगेटिव बेसिडियोस्पोर, है ना, ये आपस में फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पिकमीडियम। आप समझ रहे हैं, स्टोरी जो है वो यहीं से चलती आ रही है, यूरिडो ने टेलिटो, टेलिटो पे एपिबेसीडियम बना जिसके से बेसिडियोस्पोर्स बने, बेसिडियोस्पोर्स वापस आते हैं बारबेरी के ऊपर, फिर वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पिकमीडियम। पिकमीडियम नाम से क्लियर है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, और उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, पिकनीडियो स्पोर। कौन से स्पोर्स बनते हैं, पिकनीडियो स्पोर। इस टाइप से एक ग्रुप बनता है स्पोर्स का, जैसे वहां पर कोनिडिया बनते थे, ठीक है।
जो है वो कवर
ठीक है, जो आपका क्या होगा एपिपेसीडियम है, हियर इज द डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस करता है, मियोसिस से हमेशा एक मियोसिस से चार आपके न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से आपका दो पॉजिटिव होंगे और दो नेगेटिव स्ट्रैंड वाले होंगे, ठीक है। कुछ ही दिनों तक सर्वाइव करते हैं ये, उड़ करके वापिस बारबेरी के ऊपर चले जाते हैं। अब बारबेरी के ऊपर बेसिडियल स्पोर जो होते हैं वो एक कोशिका के होते हैं, एक केंद्र के होते हैं, अगुणित होते हैं। इसका मतलब अब जो ये माइसिलियम बनाएगा वो भी कैसा होगा, एक केंद्र की। इसलिए हमने पहले जो डिस्कस किया था कि बारबेरी पर पाई जाने वाली प्रवस्था जो है वो मोनोकैरियोटिक है। माइसिलियम कैसा बनाता है, मोनोकैरियोटिक। अब यहाँ देख सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियस जो है बने और एट द एंड एक आपका एपिबेसिडियम के मियोसिस से चार आपके क्या बने, बेसिडियल स्पोर्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब बारबेरी पर पाए जाने वाली तो हमको पता है दो अवस्था पाई जाती है, पिग्मीडियो स्पोर स्टेज और उसका स्पर्मेटोगोनियल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, जो बेसिडियल स्पोर जर्मिनेट हुए थे गेहूं के ऊपर वो बारबेरी के ऊपर आते हैं फेवरेबल कंडीशन और ह्यूमिडिटी के अंदर, और क्या बनाते हैं इस बेसिडियल स्पोर जो है वो वन जर्म ट्यूब निकलती है उसमें, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइफी। इट पेनिट्रेट्स द एपिडर्मिस वेयर इट ग्रोज इनटू अ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। अब ये इससे बनने वाला जो माइसीलियम है वो कैसा होगा, मोनोकैरियोटिक, क्योंकि केवल एक ही न्यूक्लियस से बना था। दिस माइसीलियम फॉर्म्स द स्पर्मेटोगोनियम और पिग्मीडियम द वेंट्रल और आपकी वेंट्रल एक्सिस पर ये बनाता है, एडेक्सियल सरफेस पर बनाता है लीफ की। दिस अपीयर्स एज लाइट स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ द फॉलिएज एंड दिस एंड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन दिस, मतलब कैसे दिखते हैं, फ्लास्क शेप के दिखते हैं। लास्ट स्टेज आती है इसके अंदर एशियोस्पोर स्टेज, इसमें हम देखते हैं कि दिस स्टेज इज फाउंड ऑन द लोअर सरफेस, जहां पर अपर सरफेस पे बना था आपका टेल्यूकर, आपका पिग्मीडियोस्पोर स्टेज जैसे लोअर सरफेस पर बनता है एशियोस्पोर स्टेज। ठीक है, तो ये भी कप शेप का होता है, प्रोएसीडियम बनता है, ठीक है, आपका कहां पर, लोअर सरफेस पर गेहूं बारबेरी की। दिस फंगस इज कप शेप का होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है, राउंड स्पून होते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ एसीडियम इस पर, हाँ एसीडियम की जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेरिडियम, ठीक है। विद इन द पेरिडियम एशियोस्पोर्स मदर सेल्स बनती है जिसके अंदर मियोसिस होता है, एक एशियोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से चार एशियोस्पोर बनते हैं और ये एशियोस्पोर अब रेडी है किसको इन्फेक्टेड करने के लिए, गेहूं को इन्फेक्टेड करने के लिए। ये इसकी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो है। ये तो इसका एशियोस्पोर की स्टेजेस बता रखी है और कुछ आपके बैक्टीरियल स्पोर्स की स्टेजेस जो है वो बता रखी है, ठीक है। तो ये बेस, ये एशियल कप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो एशियल कप है जहाँ पर बहुत सारे आपके एशियोस्पोर जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। ये एशियो कप जो है वो इसमें ये सारे पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर हो गया शोइंग किसको, आपका एशियल कप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर लाइफ साइकिल, तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से, ठीक है। तो आपका गेहूं के पौधे को या फिर ग्रास होस्ट जो भी दे रखा है ग्रेविनस, ठीक है, इसको इन्फेक्टेड किया, ठीक है, या तो वो यूरिडियोस्पोर से इन्फेक्टेड होगा, या तो यूरिडियोस्पोर से इन्फेक्टेड होगा, या फिर एशियोस्पोर से। एशियोस्पोर बारबेरी पर बन रहे हैं, यूरिडियोस्पोर दूसरे स्थानों से आ रहा है, तो यूरिडियम बनाया यूरिडियोस्पोर, ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पर, अब क्या बने, यूरिडियम बना है ना, यूरिडोसोरस बना, बहुत सारे ग्रुप है, यहाँ से रिलीज हुए यूरिडोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स ने इन्फेक्ट किया गेहूं के पौधों को, क्योंकि यूरिडोस्पोर्स गेहूं को ही इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अब क्या होगा, यूरिडो की जगह पर अब क्या बन जाएंगे, टेरियम या फिर आप बोल सकते हैं टेरिटोस्पोर्स या टेरिटोसोरस, यहाँ पर बहुत सारे टेरिटोस्पोर्स बनेंगे, कैरियोगेमी होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फ्यूजन होगा, प्रोमाइसीलियम या एपिबेसिडियम बनेगा जो कि बेसिडियल स्पोर्स को बर्थ देगा, कहां पर, सॉयल के अंदर। तो ये बेसिडियल स्पोर कहां पर बनेंगे, सॉयल के अंदर, पर फिर ये आपका उड़ करके जाएगा बारबेरी के ऊपर, बारबेरी पर जाने के बाद जो कि उसका अल्टरनेटिव होस्ट है वहां पर जाने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनाएगा प्लास्टिक शेप का जिसको हम बोलते हैं पिग्मीडियम, जिसमें से पिग्मीडियोस्पोर्स जो है वो रिलीज होते हैं। पिग्मीडियोस्पोर्स का स्ट्रक्चर जो कुछ इस टाइप से होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम बनाता है।
बारबेरी से अगर यूरिडोस्पोर से होगा तो वो खुद कहाँ पर बनते हैं, गेहूं के ऊपर ही बनते हैं, लेकिन किसी इन्फेक्टेड प्लांट से आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो पक्सीनिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल